Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा आपको अपने नौशाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं बड़े ही मीठे और मज़ेदार से मुरमुरे। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये मेरे पास आधा कप चीनी का है, एक कप मेरे पास ऑल पर्पज फ्लावर है मैदा, साथ में मेरे पास एक कप पानी है। इसको घोलने के लिए मैं जो है बीटर के साथ इसको अच्छे से घोलूँगी, इसकी गाढ़ी सी लई बनाएंगे। और ये मेरे पास जस्ट अ पिंच येलो फूड कलर है। एक प्लास्टिक की साफ़ सुथरी से आप कोई भी थैली ले लीजिए और इसको ऑयल में हम फ्राई करेंगे। ऑयल में कढ़ाई में डाल चुकी हूँ, ऑयल आप हसबी ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ शुरू करते अपने मज़ेदार मीठे मीठे मुरमुरे की रेसिपी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ शुरू करते हैं। ये मैदा है, इसमें हम येलो फूड कलर डालेंगे। अब इसमें 1, 2, 3, 4 और 5½ इसमें शुगर डालूंगी। आप चाहें तो पाउडर शुगर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से घोलेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमें इसकी एक गाढ़ी सी बैटर बनानी है। ये देखिए, तो बस थोड़ा सा मैं पानी और यूज़ करूँगी। बस अब इसको तब तक इसमें फेंटेंगे जब तक कि इसके सारे लम्स ख़त्म ना हो जाए और ये प्रॉपर एक पेस्ट ना बन जाए। तो देखिए हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें चीनी चेक करेंगे कि इसका मीठा मुनासिब है। अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप थोड़ी शुगर और ऐड कर लीजिए। मैंने इसमें एक पिंच सॉल्ट डाला है और बस ये देखिए इसमें कोई लम्स बाकी नहीं है। अब मैंने जो आपको प्लास्टिक की थैली दिखाई थी, आई थिंक बैग नहीं है तो कोई भी काम रेगुलर आप प्लास्टिक का बैग लीजिए साफ़ सुथरा। ये सारा बैटर हम उसमें डालेंगे और फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए मैंने जो सारा बैटर बनाया था वो इस तरह एक प्लास्टिक की थैली में डाल लिया। अब इसको अच्छे से कस के हम सारा बैटर एक जगह पे इकट्ठे करेंगे और ये इसको टाइट सा इसका बना लेंगे। आप कोई भी बैम्बू स्टिक लीजिए और एक छोटा सा इसमें बारीक सा होल करेंगे और फिर जो है ये बैटर अपना ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने चूल्हे पर रख दिया गर्म होने के लिए। तो आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करेंगे। बैटर के साथ ऑयल आप देख लीजिए और गर्म हो गया अच्छे से। अब हम इसको अपने बैटर वाले बैग में एक होल बनाएंगे और इसको आप पहले डाल के देखेंगे। हाँ गर्म हो गया ऑयल में। अब हम इसकी थोड़ा सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। हम इसको चम्मच नहीं चलाएंगे अभी क्योंकि इस तरह ये चम्मच के साथ चिपक जाएगा। जब तक कि अपना कलर नहीं बदलता तब तक हम इसको वेट करेंगे कि हमारे जो मीठे और उनका हाई क्रिस्पी मुरमुरे जो हैं वो कैसे गोल्डन ब्राउन होने लग गए। बस अब हम इनको निकालेंगे और किसी छलनी में रखेंगे ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो बाहर निकल सके। लेकिन इनका गोल्डन कलर करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये कलर नहीं आएगा तब तक ये क्रिस्पी नहीं होंगे। बस ये तैयार हो चुके हैं अच्छे से। हम इसको
इसको स्टेबल में रखेंगे किसी भी ऐसे बर्तन में कि ऑयल जो है इसका नीचे निकल जाए फालतू। मैं दूसरा बैच डालूंगी। इसको भी इसी तरह चलाएंगे, इसको चम्मच नहीं चलाएंगे जिससे कि थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि अगर हम चम्मच चलाएंगे तो ये चम्मच के साथ चिपक जाएगा। इसी तरह मैं निकालती जाऊँगी और छलनी में डालती जाऊँगी, फिर आपको देखिए ये हमारे मज़ेदार मीठे मीठे मुरमुरे और इतने क्रिस्पी हैं ये। अब मैंने इनको इसमें रखा है ताकि सारा ऑयल निकल जाए, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगे। रखमानी रंग के बर्तन के साथ ये देखिए हमारे मीठे मुरमुरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये देखिए, और क्रिस्पी ये कितने हैं ये देखिए, इस तरह क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। तो खाइए, इंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या इसमें कमी है। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए मीठे मुरमुरे। अल्लाह हाफिज़।